बादा झील में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का निधन हो गया है। जी हाँ, बादा झील में बंद मुख्तार अंसारी को अचानक तबीयत बिगड़ी उनकी जेल में, बैरक में वो गिर गए। उसके बाद डॉक्टर ने उनको पहले हार्ट अटैक बताया और उसके बाद आनंद फानन में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पहुंचने के बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि गाजीपुर के मुख्तार अंसारी राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। वो मऊ से विधायक भी बने और उसके बाद उन पर तमाम आरोप लगे। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद थे, उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश लाया गया जहां बादा जेल में वो बंद थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर कई गुहार कोर्ट में लगाई थी और इस बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनके बाद उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि प्रशासन का यह कहना था कि उन्होंने रोजा रखा हुआ था, रोजा रखने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद उन्हें आनंद फानन में बादा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। आपको ये बता दें कि इससे कुछ दिन पहले भी मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, उनको वापस ICU में भर्ती कराया गया था और तब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको उनके खाने में जहर दिया जा सकता है, ऐसे आरोप लगाए थे। फिलहाल आपको ये बता दें कि जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो पुलिस प्रशासन पहले से ही बाला जेल में मौजूद था। बाला जेल के बाहर भारी मात्रा में फोर्स बढ़ा दी गई थी, साथ ही साथ गाजीपुर और जो अन्य इलाके हैं जहां पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव है, वहां पर भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी थी। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के इस निधन के बाद फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य पूर्ण है और पुलिस जो है वो अपना कार्य कर रही है। देखने वाली बात यह है कि इस पर मुख्तार अंसारी का परिवार क्या कुछ कहता है, उनके वकील क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनकी मौत हुई है, उसको लेकर कई किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।